कुछ अलग अलग शहरों से लापरवाही और हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तीन तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हालात कैसे हैं। ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ में जहां ऑक्सीजन के लिए लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है, तो आगरा में इलाज नहीं मिलने पर तीमारदारों ने हंगामा किया और डॉक्टर्स के साथ मारपीट की है। तो वहीं फतेहपुर में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर हंगामा देखने को मिला है। ये तीनों ही तस्वीरें बता रही हैं कि एक तरफ महामारी से त्राहिमाम हो रहा है हर जगह, तो वहीं दूसरी तरफ जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ, आगरा, फतेहपुर से आई ये तीनों तस्वीरें प्रशासन और शासन के उन तमाम दावों पर एक धब्बे की तरह हैं। वो दावे जो लगातार किए जाते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और लोगों को समय पर इलाज मिल रहा है, तमाम जरूरी चीजें मिल रही हैं, लेकिन ये तीनों ही तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि दावों से उलट हकीकत है। हकीकत में लोग परेशान हैं, बेहाल हैं और उन्हें जरूरत की चीजें नहीं मिल पा रही हैं, दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और कहीं कहीं तो तीमारदारों का गुस्सा अब डॉक्टर्स पर ही फूटता हुआ नजर आ रहा है। ऑक्सीजन की कमी के बीच कानपुर से राहत भरी तस्वीर सामने आई है। यहां के गुरु सिंह सभा की अनोखी पहल सामने आई है। गुमटी गुरुद्वारे के बाहर ऑक्सीजन का लंगर लगाया गया है, जहां जरूरतमंदों को ऑक्सीजन दी जा रही है, जिससे शहरवासियों को राहत की उम्मीद है। तो कानपुर से आई ये तस्वीरें सुखद है। कानपुर से आई ये तस्वीरें इंसानियत की मिसाल पेश कर रही हैं और ये बता रही हैं कि ऐसे वक्त में जब अपने ही अपनों का साथ छोड़ रहे हैं, तो इंसानियत एक साथ मिलकर इस महामारी के खिलाफ जंग लड़ रही है। देखिए, व्यवस्था की गई है गुरुद्वारे में और यहाँ पर बाकायदा जो जरूरतमंद मरीज हैं उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई है, बेड उनको मुहैया कराए गए हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कूलर भी यहाँ पर लगाए गए हैं, यानी टेंट की तरह यहाँ पर व्यवस्था की गई है और ऑक्सीजन लगाकर इन लोगों को सांस देने की कोशिश की जा रही है, इन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। गुरु सिंह सभा की अनोखी पहल, जहां जरूरतमंदों को ऑक्सीजन दी जा रही है। इससे पहले गाजियाबाद के इंदिरापुरम के गुरुद्वारे में भी ऑक्सीजन लंगर लगाया गया था और यहां पर भी कानपुर में भी गुरु सिंह सभा की अनोखी पहल, जहां पर ऑक्सीजन लंगर लगाया गया है, जहां पर जरूरतमंदों को ऑक्सीजन दी जा रही है। ऐसे वक्त में जब ऑक्सीजन के लिए मारामारी है, ये पहल, ये ऑक्सीजन लंगर तमाम उन लोगों के लिए जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं ना कहीं जीवनदायिनी साबित हो रहा है। और गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है, शांति गोपाल अस्पताल में अब ऑक्सीजन की किल्लत दूर होगी। अधिकारियों ने अस्पताल के लिए ऑक्सीजन रिलीज कर दी है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और सवाल उठाए व्यवस्थाओं पर, चूंकि शांति गोपाल अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत थी, अस्पताल बार बार प्रशासन को सूचना दे रहा था लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। अब अधिकारियों ने अस्पताल के लिए ऑक्सीजन रिलीज कर दी है। ये राहत की खबर है उन तमाम मरीजों के लिए जो इस अस्पताल में भर्ती हैं और जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। और शक्ति मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शक्ति, क्या मीडिया दखलंदाजी करेगा तभी जाकर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएंगी? इतनी देरी क्यों हो जा रही है व्यवस्थाओं को जमीन पर आने में? देखिए, बिल्कुल, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की बहुत ही ज्यादा इस समय किल्लत है हर अस्पताल में ये देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है और आप जो यहाँ पेशेंट जो यहाँ पर एडमिट है उन्हें ले जाएं, ऐसा कहा जा रहा है उनके परिजनों से। वहीं जब पहले एबीपी गंगा ने जब खबर दिखाई वसुंधरा के अटलांटिका में और दूसरी खबर जो शांति गोपाल की दिखाई, उसके बाद अधिकारी जागे और अधिकारियों ने जो ऑक्सीजन है उनकी रिलीज की और अब कुछ ही देर में वहां पर ऑक्सीजन पहुंच जाएगी और जिसके बाद जो वहां पर मरीज हैं वो राहत की सांस लेंगे। जिस तरीके से वहाँ परिजनों का लगातार वहाँ जो तांता है लगा हुआ अस्पतालों के बाहर और परिजन काफी परेशान और चिंतित इस बात से हैं कि कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन की बार बार जो परेशानी सामने आ रही है वह परेशानी से किस तरीके से बाहर निकलेंगे और किस तरीके से उन्हें लगातार ऑक्सीजन मिलती रहेगी। कहीं ना कहीं इस समय जो कोविड के मरीज है उन्हें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की ही जो परेशानी है वह उनके सामने आ रही है और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में कहीं भी ऐसी जगह नहीं दिखाई दे रही कि किसी भी अस्पताल में जो ऑक्सीजन है वह पर्याप्त मात्रा में है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे किसी ना किसी अस्पताल से ऐसी खबरें आ रही है गाजियाबाद से
कि कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो जा रही है। शक्ति वजह क्या समझ में आती है, क्योंकि शासन की तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि तमाम अस्पतालों को ऑक्सीजन दी जा रही है, लेकिन जमीन पर देखें तो ऑक्सीजन नहीं है। प्रशासन की तरफ से क्या कहना है, क्यों देरी होती है? देखिए, अगर शासन प्रशासन की बात करें तो जो ऑक्सीजन की बात कही जाती है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर जाएं, हम ग्राउंड में जाएं, हम अस्पतालों में जाएं, तो वो बिल्कुल भी हमें कहीं भी नजर नहीं आता। इस तरह से जिस तरीके से प्रशासन दावे करता है या शासन दावे करता है और ये कहता है कि ऑक्सीजन पूरी मात्रा में है और ऑक्सीजन की बिल्कुल भी किल्लत नहीं है। इस समय अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जो हालात है वह इस तरह के हो चुके हैं कि बेड नहीं मिल रहा मरीजों को, और जिन्हें बेड मिल रहा है वहाँ ऑक्सीजन खत्म है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये जो गैप है ये किस तरीके से भरेगा, बहुत बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका शक्ति तमाम जानकारी के लिए। उधर नोएडा में दवा की किल्लत से मरीज परेशान है। सेक्टर 39 के सीएमओ कार्यालय के बाहर लोगों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए पर्चे जमा किए थे, लेकिन अब तक उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल सके हैं। अस्पताल से लोग निराश होकर अब वापस लौट रहे हैं। तो ये हालात है, और ये हालात तब है जब सूबे के मुखिया लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं प्रदेश की जनता को कि रेमडेसिविर की कमी नहीं होगी। जो सरकारी अस्पताल हैं उन्हें जरूरत के हिसाब से खेप भेजी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि जमीन पर हालात पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं, क्योंकि सीएमओ ऑफिस के बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं। लोगों ने सुबह से ही अपने अपने पर्चे वहां पर लगा दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। उसके बावजूद वो इंजेक्शन तीमारदारों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे एक उम्मीद है कि उनके मरीज को बचाया जा सकता है। देरी ना हो जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए, यही सोचकर तीमारदारों का बुरा हाल है और सवाल व्यवस्थाओं पर खड़े किए जा रहे हैं। नाराजगी अब प्रशासन की व्यवस्थाओं पर है कि आखिर रेमडेसिविर इंजेक्शन समय से क्यों नहीं मिल पा रहा है, वो भी तब जबकि शासन के उच्च अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं होगी, उसके बावजूद जमीन पर क्यों नहीं नजर आ रहा है। और एक बड़ी खबर इस वक्त श्रावस्ती से आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर श्रावस्ती से मिल रही है, जहां लोगों को कोरोना बांट रहा है एक सरकारी कर्मचारी, लोगों को पोषाहार बांट रहा कोरोना संक्रमित कर्मचारी। देखिए ये बहुत बड़ी खबर है, लोगों को पोषाहार बांट रहा है कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मचारी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यहां से कोरोना बम फूटता है, अगर कोरोना विस्फोट होता है, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? और ऐसे वक्त में जब लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, अस्पतालों में बदहाली है, ये इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक आखिर क्यों हो रही है? दर्जनों लोग संक्रमित कर्मचारी के संपर्क में आए, ये जानकारी मिल रही है। जो कोरोना पॉजिटिव सरकारी कर्मचारी है, जो कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लोगों को मौत बांट रहा है, कोरोना बांट रहा है, उसके संपर्क में आए कई लोग कोरोना पॉजिटिव है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब सवाल यह है कि कोरोना संक्रमित होने के बावजूद भी आखिर किसकी इजाजत पर यह सरकारी कर्मचारी अभी भी काम कर रहा है और लोगों को पोषाहार बांट रहा है? पोषाहार के नाम पर क्यों कोरोना लोगों को दिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रदेश में एक तरफ कोरोना तेजी के साथ बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं, लगातार आंकड़े डरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो लापरवाही है, ये श्रावस्ती के लोगों के लिए कितनी बड़ी साबित हो सकती है, कितनी भारी साबित हो सकती है, ये आने वाले दिन बताएंगे। बहरहाल अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक संक्रमित सरकारी कर्मचारी के संपर्क में आए कई लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, यानी श्रावस्ती में कोरोना विस्फोट एक सरकारी कर्मचारी की वजह से हो रहा है, यह कहा जा सकता है। अमान रिजवी मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अमान, ये क्या हो रहा है श्रावस्ती में, आखिर किसकी शह पर ये सरकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी लोगों को कोरोना बांट रहा है? बिल्कुल प्राची, बताना चाहेंगे कि 22 तारीख को ये सरकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुआ था। ये बाल पुष्टाहार में एक लिपिक के पद पर है और ये 22 तारीख से ही यहाँ पर बाल पुष्टाहार बांट रहा है। तमाम समूह की महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं जो इससे पुष्टाहार ले रही हैं और जा रही हैं। कहीं ना कहीं अगर ये 22 तारीख को संक्रमित हुआ है तो लोगों के बीच इसने कोरोना को बांटा है, और कर्मचारी और जो अधिकारी भी हैं वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जबकि आप देख सकते हैं कि वहां पर CDPO मौजूद हैं और वो इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं सिर्फ चाबी देने के लिए यहाँ पर आया था। अगर चाबी भी देने के लिए कार्यालय में आया तो तमाम लोगों को उसने संक्रमित किया था, वो आखिर कार्यालय में क्यों मौजूद था, ये सवाल बड़ा उठता है।
बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों सरकारी कर्मचारी को हॉस्पिटल में भर्ती या आइसोलेट नहीं किया गया है और क्यों कोरोना को बढ़ने दिया जा रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मान। तो लोगों को ये संक्रमित कर्मचारी पोषाहार बांट रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। देखिए 22 तारीख को ये सरकारी कर्मचारी पॉजिटिव हो चुका था। ये देखिए हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लाइन वहां पर लगी हुई है। जो समूह की महिलाएं हैं वो पहुंच रही हैं, वो लोग पहुंच रहे हैं जिनको ये पोषाहार दिया जाना है। लोगों की भलाई के लिए सरकार पोषाहार बांटती है, ऐसे बच्चों के लिए पोषाहार का वितरण होता है जो कुपोषण का शिकार होते हैं, लेकिन यहाँ तो इस पोषाहार के रूप में कोरोना का वितरण किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उस स्टोर के अंदर की हैं जहाँ पर सरकारी कर्मचारी जो कि खुद कोरोना पॉजिटिव है वो बांट रहा है पोषाहार। अब सवाल ये है कि सरकारी महकमे में इतनी बड़ी भूल आखिर क्यों हो रही है, और यहाँ से अगर संक्रमण फैलता है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। तस्वीरों में आप देखिए कि सरकारी कर्मचारी अकेला नहीं है, और भी स्टाफ के मेंबर्स उसके साथ हैं, यानी सब एक साथ मिलकर कोरोना को फैला रहे हैं, कोरोना को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब लगातार सरकारी अपील कर रही है कि अपने घरों में रहिए, कोरोना से बचिए, ऐसे वक्त में तस्वीरें बहुत खतरनाक हो सकती है। उधर कुशीनगर से अगली खबर, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी हैं, अधिकारी कर्मचारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारी जुटे हुए हैं, लेकिन इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुशीनगर से बड़ी खबर है जहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। कुशीनगर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हुई हैं, पंचायत चुनाव के नाम पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उधर गाजीपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। आलम यह है कि लाश ले जाने के लिए लोगों को स्ट्रेचर नहीं मिलने पर गोद में लेकर जाने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से हर आधे घंटे पर एक मरीज की मौत हो रही है। हालांकि सीएमएस का दावा है कि जिला अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि सीएमएस साहब के जो दावे हैं उनमें कितना दम है, क्योंकि ऑक्सीजन ना होने की वजह से हर घंटे पर एक मरीज की मौत हो रही है और व्यवस्थाएं इतनी बुरी तरीके से चरमरा चुकी हैं कि शव को ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिल पा रहा है और लोग अपनों के शव को अपने कंधे पर उठाकर, अपनी गोदी में उठाकर ले जा रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि गाजीपुर के अस्पताल में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। एक तरफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही और दूसरी तरफ अगर किसी मरीज की मौत हो रही है तो उसे ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिल पा रहा है। ना ऑक्सीजन है, ना ही अस्पतालों में स्ट्रेचर है, और इससे इतर सीएमएस साहब ये भरोसा दिला रहे हैं कि उनके अस्पताल में तमाम मरीजों का इलाज हो रहा है, उनके अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें चीख चीख कर ये बता रही हैं कि हालात बद से बदतर है। जौनपुर से अगली खबर है, जहां ऑक्सीजन गैस सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मद्देनजर जौनपुर पुलिस ने ऑक्सीजन गैस एजेंसियों और मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। दरअसल कोरोना महामारी के समय भी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की सूचना पुलिस को मिली थी। इस पर एएसपी सिटी डॉक्टर संजय कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। इसके बाद जनपद के अलग अलग स्थानों पर 15 ऑक्सीजन गैस एजेंसियों और मेडिकल स्टोर्स पर एक साथ छापेमारी की गई। इस दौरान एक सप्लायर के पास से ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर मिले, स्टॉक रजिस्टर दिखाने और सप्लाई सिलेंडर्स के संबंध में डिटेल मांगी गई तो वो नहीं दे पाया। और इस बीच यूपी में क्या कुछ आंकड़ा है ये आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 32,993 कोरोना के नए केस सामने आए हैं।
30,398 कोविड पेशेंट डिस्चार्ज हो गए हैं। 24 घंटे में 265 मरीजों की जान गई है। प्रदेश में 3,06,458 एक्टिव केस हैं। तो देखिए, थोड़ी सी राहत की खबर है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि बीते 3 दिन से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो घट रहा है और अब घटकर हो गया है 32,993। और आप देखिए कि मरीजों के साथ साथ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ साथ डिस्चार्ज होने वाले लोगों की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है। 30,398 लोग अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं, यानी ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 32,993 मामले सामने आए हैं। ये पिछले दिन की तुलना में लगभग 500 कम है। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 30,398 है और एक्टिव केस की संख्या इस समय 3,06,458 है। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 265 लोगों की मृत्यु हुई है। पूर्व में ये घोषणा की जा चुकी है कि हर मरीज को अस्पताल में भेजा जाएगा। यदि सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है, बेड नहीं है, तो उसे निजी अस्पताल में बेड उपलब्ध कराया जाएगा और उसका सारा खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार उस निजी अस्पताल को उपलब्ध कराएगी। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात पर काबू पाने के लिए सीएम योगी ने टीम 11 के साथ मीटिंग की। इस दौरान सीएम ने अहम दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम ने सभी डीएम को अपने अपने जिलों में सेक्टर प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि हर जरूरतमंद मरीज को बेड मिले ये सुनिश्चित हो, क्षेत्रवार सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएं, चाहे जरूरत ऑक्सीजन की हो, वेंटिलेटर की हो या जीवन रक्षक दवाओं की, ये उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। बेड आवंटन और डिस्चार्ज पॉलिसी को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। किसी भी जिले में शासनादेश का उल्लंघन पाया गया तो डीएम और सीएमओ की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय से इस पर नजर रखी जाएगी। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा घर पर ही आइसोलेट थे। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद डॉक्टर्स की निगरानी में वो घर पर ही आइसोलेट थे। बेहतर चिकित्सीय आवश्यकताओं के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है, ये जानकारी दी है डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने ट्वीट करके। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव हुए थे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और अभी तक वो होम आइसोलेट थे, घर पर ही उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है और इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को एक खत भेजा है और लिखा है कि जनता को तत्काल प्रभाव से राहत दे सरकार। अपने खत में आगे लिखा है प्रियंका गांधी ने कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जांच नहीं हो रही है, शहरों में भी जांच कराना मुश्किल हो रहा है, बेड ऑक्सीजन दवाइयों की घोर किल्लत और कालाबाजारी हो रही है, कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को अकेला मत छोड़िए। उन्होंने लिखा है कि जनता के प्रति मुख्यमंत्री जवाबदेह हैं, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी खत लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। बात मेरठ की, जहां कोरोना की वजह से मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि इस तरफ सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। यहां पर स्थिति यह है कि लोग उसको एडमिट करने के लिए लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद मेरठ लोकसभा सीट से सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी यूपी के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि मेरठ की मदद करने के लिए सांसद की क्यों जरूरत आन पड़ी के पत्र लिखा जाए, क्या लिखा आपने? नहीं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी युद्ध स्तर पर सारे प्रयास कर रहे हैं, परंतु संक्रमण की गति इतनी तेज है कि जितने प्रयास किए जाते हैं वो छोटे पड़ने लगते हैं। मुझे ध्यान है कि पिछले जो कोरोना का संक्रमण था उसमें कई महीने के पश्चात मेरठ में मैक्सिमम 240 की संख्या पहुंची थी संक्रमण की, आज ये संख्या रोज 1200 या उसके पार है। सांसद जी, सबसे ज़्यादा जो समस्या मेरठ में देखने में आ रही है वो ऑक्सीजन की देखने में आ रही है,
ऑक्सीजन के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, हॉस्पिटल बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन लाओ तभी जो है मरीज आपका भर्ती होगा। ऐसे में क्या स्थिति है? आज हम लोग बैठे हैं, कल चुनाव था तो वो भी आवश्यकता, हालांकि बड़े कठिन समय में चुनाव संपन्न हुआ। आज हम जिलाधिकारी महोदय और भी प्रशासनिक अधिकारी के साथ बैठे हैं, इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, जैसे कि इंजेक्शनों की कालाबाजारी की भी बात आ रही है, दवाइयों की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें तो जगह जगह जो इसके लिए कमी दिखाई दे रही है, उसमें आप क्या कर रहे हैं? ये वो अपराध भी कर रहे हैं और वो पाप भी कर रहे हैं। प्रशासन ने व्यवस्था की है और अब ये व्यवस्था हुई है कि डॉक्टर्स के माध्यम से ही रिकमेंडेशन होगी, फिर उसका एसेस किया जाएगा कि ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, क्योंकि रेमडेसिविर की वैसे भी बहुत कमी भी नहीं है, थोड़ी ज़रूरत कमी है, परंतु रेमडेसिविर की अनावश्यक रूप से डिमांड ज़्यादा है। ये थे हमारे साथ राजेंद्र अग्रवाल, जिनका कहना है कि जल्दी ही इस समस्या के ऊपर काबू पा लिया जाएगा। मेरठ में जो लगातार ऑक्सीजन की समस्या बनी हुई है उसका भी 24 घंटे में निराकरण हो जाएगा। सुधीर चौहान, एबीपी गंगा।